झारखंड के विभिन्न जनजातियों के बारे में चर्चा की गई। आज झारखंड के बिरहोर जनजाति के बारे में चर्चा करेंगे। किस तरह से बिरहोर जनजाति झारखंड प्रदेश में निवास करता है। बिरहोर दो शब्दों से मिलकर बना है, बीर प्लस होर। बीर का मतलब होता है जंगल और होर का मतलब होता है व्यक्ति, अर्थात जो व्यक्ति जंगल में निवास करता है उसे बिरहोर कहते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से बिरहोर जनजाति बहुत कम है, जैसा कि डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद ने 1971 की जनगणना के अनुसार इसकी संख्या लगभग 3500 बताई है। 40 वर्षों के बाद भी इनकी आबादी उतनी नहीं बढ़ी है जितनी बढ़नी चाहिए। जैसा कि उन्होंने कहा कि 2011 की जनगणना के अनुसार पूरे झारखंड प्रदेश में इसकी आबादी लगभग 10,526 बताई जाती है। इस तरह से बिरहोर जनजाति की यही संख्या है। यह घूम घूम कर फल इकट्ठा करते हैं और मांसाहार प्रवृत्ति के होते हैं और अपनी आजीविका इस तरह चलाते हैं। वन में जो लकड़ियाँ होती है उसे बेचते हैं और इस तरह से इनकी आजीविका चलती है। जैसा कि कहा जाता है कि ये ऊंची चोटियों पर अपना घर बनाते हैं, झोपड़ियाँ बनाते हैं और इस तरह से ये रहते हैं। ये एक स्थान पर निवास नहीं करते हैं, घूम घूम कर निवास करते हैं, जिससे इनकी संख्या को पता लगाना मुश्किल होता है। बरसात के दिनों में मछलियाँ पकड़ना इनका मुख्य पेशा है और इसे सुखाकर काफ़ी समय तक इसका उपयोग करते हैं। जहाँ तक इनके बारे में बतलाया गया है कि ये पितृसत्तात्मक परिवार को मानते हैं और वंश परंपरा पिता के अनुसार चलती है। इन्हें बहुपत्नी विवाह करने के लिए छूट है, अर्थात इनके एक से अधिक पत्नियां हो सकती है और विवाह प्रथा जो है वो गोत्र से अलग विवाह प्रणाली होती है, अर्थात सगोत्र विवाह नहीं होती है। और इस तरह से जो धन दी जाती है
बड़े लड़कों को अधिक संपत्ति दी जाती है और छोटे लड़कों को कम। इस तरह से संपत्ति का बंटवारा होता है। गांव में युवा गृह होते हैं जिसमें लड़कों के लिए अलग और लड़कियों के लिए अलग। यहाँ पे मनोरंजन करते हैं और सीखते हैं और इस तरह से इन जनजाति की विशेषताएं हैं। जब औरतें गर्भ धारण करती हैं तो इन्हें विशेष सुविधा दी जाती है, इनका देखरेख की जाती है और बहुत निषेध है, जैसे कि एक स्थान से दूसरे स्थान जाना वर्जित है और नदी नालों को पार करना वर्जित है और जानवरों को लांघना वर्जित माना जाता है। इसके अतिरिक्त जब बच्चा होता है तो 7 दिन में इसे नाखून काटकर बच्चों का छठी मनाया जाता है और काफ़ी खर्च किया जाता है और 21 दिन के बाद पुनः सभी लोग अपने बाल दाढ़ी कटवाते हैं और शुद्धि की जाती है। इस तरह से देखा जाए तो हिंदुओं की तरह इनका रीति रिवाज माना जाता है। ये भूत प्रेत पर विश्वास करते हैं, धार्मिक अनुष्ठान करते हैं। इसके अतिरिक्त ये वन में जाकर बंदर पकड़ते हैं और उस बंदर के माध्यम से भी आजीविका चलाते हैं। इस तरह से कहा जा सकता है कि इनकी विशेषताएं इस प्रकार मानी जाती है। गांव में अगर झंझट होता है तो वहाँ के मुखिया इसे निपटारा करते हैं, जिसे नाया भी कहा जाता है। यही बिरहोर जनजाति की विशेषताएं हैं। धन्यवाद।